24 न्यूज चैनल से सहपऊ हाथरस की खबर। सहपऊ पुलिस ने वृद्ध महिला का हत्या आरोपी गिरफ्तार कर भेजा जेल। आपको बता दें कि दिनांक 5 अगस्त 2021 कोतवाली सहपऊ पुलिस को सूचना मिली कि कोतवाली सहपऊ क्षेत्र के ग्राम नगला प्राण में एक घर में वृद्ध महिला कमला देवी पत्नी स्वर्गीय तरसिन उम्र करीब 65 वर्ष का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतिका के शव को पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। जिला अस्पताल हाथरस तथा मौके पर खून से लगा एक डंडा बरामद किया गया। फॉरेंसिक टीम तथा डॉग स्क्वाड टीम द्वारा भी मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसके संबंध में वादी चंदन सिंह निवासी नगला प्राण कोतवाली सहपऊ की लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली सहपऊ पर अभियोग पंजीकृत किया गया। मृतिका के शव के पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्ट्रगुलेशन व सिर में चोट के कारण बताया गया। पुलिस अधीक्षक हाथरस विनीत जायसवाल द्वारा क्षेत्र अधिकारी सादाबाद के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया, जिसके क्रम में दिनांक 7 अगस्त 2021 को कोतवाली हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक हत्यारोपी अभियुक्त हरिशंकर पुत्र राम सिंह को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई, जिसके संबंध में कोतवाली सहपऊ पुलिस ने कार्रवाई कर भेजा जेल। गिरफ्तार अभियुक्त हरिशंकर से पूछताछ किए जाने पर उसके द्वारा मृतिका की हत्या किया जाना स्वीकार करते हुए बताया कि मृतिका कमला देवी उपरोक्त से उसका संतति को लेकर विवाद चल रहा था तथा अपने चाचा की दूसरी पत्नी की शादी अपने दोस्त से कराकर उसका मकान कब्जा कर लिया, जिसका विरोध मृतिका उपरोक्त द्वारा लगातार किया जा रहा था, जिस वजह से मैंने दिनांक 3 अगस्त 2021 की रात्रि को शराब पी और जब मेरी चाची पड़ोसी के घर से टीवी देखकर लौटी तो मैं भी पीछे घर में प्रवेश कर गया और उसके सिर में डंडा मार दिया, जिससे वो बेहोश होकर गिर गई, जिसको घसीटते हुए जीने से ऊपर के कमरे में ले गया तथा गला दबाकर हत्या कर दी। नाम व पता। गिरफ्तार अभियुक्त हरिशंकर पुत्र राम सिंह निवासी नगला प्राण थाना सहपऊ जनपद हाथरस। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार थाना सहपऊ जनपद हाथरस, कांस्टेबल 492 रवि कुमार थाना सहपऊ जनपद हाथरस, कांस्टेबल 260 संदीप कुमार थाना सहपऊ जनपद हाथरस, 122 दीप्ति शाकिया थाना सहपऊ जनपद हाथरस।